गुड मॉर्निंग, कैसे हो? समझ में आ रहा है बेटा, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझ में आ रहा है? सबसे लास्ट में हम जा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ आज हम आपको पढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है बोलो, कितना बच्चा अभी तक ज्वाइन किया हो? वाह, क्या बात है, असर पड़ रहा है तुम लोगों पर है। 130 बच्चे ज्वाइन किए हो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ कृति, क्या बेटा क्या दिक्कत है? लीफ एनाटॉमी नहीं पढ़े? एक बार फिर से वो वीडियो देखना यूट्यूब पर जाके, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, और सबसे इजी स्ट्रक्चर है आपका। वो एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ रूट इतना तरीके अच्छी से बताए हैं। आप जैसे अगर डाइकोट का लेते हो, स्टेम और रूट का, एक चीज याद रखना, स्टेम गड्ढा यानी पिथ बहुत बड़ा, रूट स्टार पिथ बहुत कम इनविजिबल। मोनोकोट में आते हो, ऊपर स्टेम स्केटर्ड वैस्कुलर बंडल, नीचे जैसे लगता है कि क्या है, गड्ढा बहुत है, सन और रे फेंक रहा है, वो रे इज नथिंग, दैट इज द वैस्कुलर बंडल। क्या होता है उसमें, जाइलम फ्लोएम की संख्या डाइकोट रूट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और पिथ ज्यादा होता है। इतने तो याद करना था, और कुछ नहीं। एक बार फिर से वीडियो देखो, नहीं होगा तो फिर रिवीजन जब कराएंगे तो उसमें बेटा समझा देंगे। ये आज सेकेंडरी ग्रोथ पर हो गए, शुरू करें? इजाजत है? देखो अमित फिर बोल रहा है, जबरदस्त है, जबरदस्त। कौन है? ये कौन है? तकीर देखो फिर, ये लक लक की बात क्या करते हो बेटा? ध्यान से अगर देखोगे, जैसे बोलते हो ना लक, कितना वर्ड है इसमें? दो शब्द है, फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है लक के बाद? भाग्य। ध्यान से देखो, अढ़ाई शब्द है। फिर तीसरा क्या आता है? किस्मत। देखो 3.5 शब्द है, लेकिन ये तीनों तब आता है तो 4 शब्द से बनता है, मेहनत। लक बोलो, भाग्य बोलो, किस्मत बोलो, देखो हाफ और एक अक्षर का फर्क है, लेकिन उस तीनों को, चाहे वो लक हो, भाग्य हो, किस्मत हो, अगर उसको आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए 4 वर्ड जरूरी है। 4 अक्षर वाला चीज जब तक नहीं होगा, नहीं होगा। मेहनत, ठीक है, दिल से मेहनत करो, सब चीज होगा, लक भी होगा, भाग्य भी होगा, किस्मत भी जगेगा। पंडित जी के यहां दिखाने से कुछ नहीं होता है। 4 अक्षर पे ज्यादा ध्यान दो, अपने आप आपका लक, किस्मत, भाग्य, जो भी बोलो सब आएगा, ठीक है? ज्यादा नहीं है, मेहनत कीजिए। ये देखो थोड़ा सा आउटलुक तो तुमको यहीं से नजर आ जाएगा। देख लो, ये स्टेम का कटा हुआ तना है, देख लो, ध्यान से देखोगे, देखो ये बार्क है, और यहां देखो बार्क के नीचे कैम्बियम है, और ये जो देख रहे हो ये ब्राउनिश कलर, इसी को हॉट वीड कहा जाता है, ये जो एलोइस कलर देखते हो उसको सैपवुड कहा जाता है तुम्हारा, और उसी में देखोगे रिंग नजर आता है, देखोगे एक हल्का और एक ब्लू करके, तो पढ़ोगे आगे स्प्रिंग रिंग होता है और ऑटम रिंग होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का क्या होता है, तो थोड़ा सा जानो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि प्लांट में तुम्हारा दो तरह का ग्रोथ होता है, एक ग्रोथ को कहते हो प्राइमरी ग्रोथ,
अब देखो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, तुम्हारा सिर्फ इलोंगेशन होता है, लंबाई बढ़ता है। जैसे कोई भी सीड अगर जर्मिनेट होता है, ध्यान से देखो, तो देखो इससे ये दो चीज निकलता है। देखो ये ऊपर वाले को प्लूमूल कहते हो, नीचे वाले को रेडिकल कहते हो। क्या होता है, वही प्लूमूल आगे जाके सूट सिस्टम बनाता है और ये रेडिकल क्या बनाता है, तुम्हारा रूट सिस्टम बनाता है। क्या होता है, इसी प्लूमूल के ऊपर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है तुम्हारा, ठीक है। तो उसी उसी मेरिस्मेटिक टिश्यू के डिवीजन से क्या होता है, लंबाई बढ़ते चला जाता है। तो यहां पर वो जो टिप्स पे होता है, चाहे वो सूट के टिप्स पे हो या रूट के टिप्स पे हो, तो उसको एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, सब आदमी परे हो। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, चाहे वो रूट में हो या सूट में हो, तो ये सिर्फ क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। और ये मेरिस्मेटिक तुम्हारा पहले से रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी टिश्यू कहा जाता है, या प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हो, ठीक है। इसी में एक और होता है तुम्हारा इंटरकैलरी, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इंटरकैलरी जो है जनरली तुम्हारा ग्रासेस के केस में क्या होता है, तुम्हारा नोड के जस्ट ऊपर रहता है। वो भी कहां से आता है, जब ये एपिकल में जैसे जैसे बढ़ेगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ऊपर, तो कुछ सेल यहाँ पर लेफ्ट ओवर हो जाता है, तो उसी से तुम्हारा एक्जिलरी बड भी बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको दिमाग में क्या रखना है कि ये एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरीज होता है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ये जो इलोंगेशन जो होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ, और उस ग्रोथ को कौन कॉज करता है, तुम्हारा मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब ये जैसे जैसे सपोज करो लंबाई इसका बढ़ते जाएगा, इसमें लीफ भी आता जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी मेरिस्मेटिक का कुछ सेल मैच्योर हो जाता है, तो क्या बन गया, ये परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का मतलब सब आदमी समझ रहे हो क्या होता है, दे डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अब देखो क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है तुम्हारा, इस सेकेंडरी ग्रोथ में ओनली टू इंक्रीज द ग्रिप, ये थिकनेस बढ़ता है, इससे लंबाई नहीं बढ़ता है, ये थिकनेस, उसी को ग्रिथ कहा जाता है। माने सेकेंडरी ग्रोथ इज नथिंग ओनली द इंक्रीज इन द ग्रिथ, यानी थिकनेस में जो इंक्रीज होता है उसी को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है, तो उस टिश्यू को कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम, देख लो। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है तुम्हारा, ये यही परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कुछ परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट कर जाता है और फिर से वो मेरिस्मेटिक बन जाता है, इसीलिए इस लेटरल मेरिस्टेम को कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आया, तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, दैट कॉजेज द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्मेटिक, जिसका हमने एग्जांपल बताया तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो क्या हो गया, प्राइमरी ग्रोथ हो गया। यानी प्लांट में दो तरह का ग्रोथ हुआ, एक प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगा, मोटाई रे। समझ में आया, तो किसके चलते होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसी को क्या बोलते हो, लेटरल मेरिस्टेम। अब देख लो ये लेटरल मेरिस्टेम तुम्हारा दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है वैस्कुलर कैंबियम और दूसरे को क्या बोलते हो, कॉर्क कैंबियम, याद रहेगा। तो ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, ये लेटरल मेरिस्टेम का टाइप हो गया, ठीक है। एक को क्या बोलोगे, वैस्कुलर कैंबियम, ये क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, और ये कॉर्कियम कहाँ होगा, तुम्हारा कॉर्टेक्स रीजन में पाया। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानो ये वैस्कुलर कैंबियम के बारे में कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, इतना समझ में आया।
बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? शांतनु गारे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? इतना समझ में आया? और किसी को दिक्कत? आज न छोड़ूंगा तुझे, मामा दम धम। आगे बढ़े बेटा, अब देख लो क्या होता है थोड़ा सा। अब आप ये पढ़े हो कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है, क्योंकि वहां वैस्कुलर बंडल, ये कैम्बियम नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उसको क्लोज्ड कहा जाता है। ये कहाँ होगा सेकेंडरी ग्रोथ? सिर्फ डाइकोट में होगा। तो थोड़ा सा देखो, एक हमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये पढ़े हो सब आदमी, डाइकोट स्टेम। क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस, ये क्या हो गया ट्राइकोम, क्या हो गया ये? हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? जल्दी बोलो, कल ही बताए थे यार, पोलन काइमा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता क्या है ये? पैरेन्काइमा सेल या पैरेन्काइमेटस टिश्यू बोलो, इसके बाद देख लो क्या होता है। क्या हो गया? इंडोडर्मिस। और इस स्टेम में, इंडोडर्मिस के स्टेम में क्या होता है? तुम्हारा स्टार्च का पैचेस होता है, याद रखना। क्या होता है? इस तरीके से स्टार्च का पैच। तो देख लो, ये हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा और इंडोडर्मिस, ये तीनों मिला के क्या बोलोगे इसको? कॉर्टेक्स। अब मेन चीज देखो, तुमको क्या पढ़ना है। अब यहां देखो, अब इसके बाद जो भी होगा उसको स्टील कहा जाता है। तो यहां पे पढ़े हो डाइकोट स्टेम में जो पेरिसाइकिल होता है वो सेमी ल्यूनर होता है। तो देखो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से क्या होगा? सेमी। और इसी पेरी से क्या हो गया तुम्हारा? पेरिसाइकिल। और क्या होता है? एस्केलेन काइमा का बना होता है, याद रहेगा। अब देखो, इसी पेरिसाइकिल से क्या हो गया? वैस्कुलर बंडल हो गया। तो देख लो, क्या हो जाएगा? नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। इसमें प्राइमरी जाइलम क्या होता है? टुवार्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। और प्रोटोफ्लोएम क्या होगा तुम्हारा? टुवार्ड्स पेरिफेरी होगा, इसीलिए इंडार्स कहा जाता है। यहां भी क्या होगा देख लो, सॉरी जाइलम फ्लोएम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे क्या होता है?
ये एक मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले से रहता है, इसी को क्या बोलते हो? वैस्कुलर कैम्बियम। ध्यान से देखो क्या होता है, और इसका एक नाम और आता है तुम्हारा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुल से आ जाता है फ्लोएम जाइम, क्या बोलोगे इसको? फैसिकुलर कैम्बियम। ये देखो ये क्या होता है, ऐसे क्यों हो जाता है? ये रिंग के चलते होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये जो हमने बोला, देखो ये देखो, अब यहां पर देखो क्या होता है, उस टिश्यू होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिडलरी रे। और ये क्या हो गया, पिथ हो गया तुम्हारा। तो ये जो मिडलरी रे यहां पर जो देखते हो, ईवी क्या होता है, मेरिस्मेटिक हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो वो जो मेरिस्मेटिक हो जाता है तो उसको कहा जाता है यहां पर जो, ये देखो इसको दूसरे कलर से ले लो, ये देखो इसको कहा जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है। और ये जो टिश्यू कहां से आया था, ये जो मिडलरी रे था, तो वही, क्योंकि हमने बताया था कि मिडलरी रे किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस का। तो दे बिकम द एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो उसमें पावर आ जाता है डिवीजन का, तो मेरिस्मेटिक हो गया, तो उसी को कहा जाता है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। अब इस तरीके से देखो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसे देख लो ध्यान से देखो, इसी रिंग को कहा जाता है कैम्बियम रिंग। ये जो रिंग जो बना उसको क्या बोलोगे, कैम्बियम रिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, सो बोलो, कैम्बियम रिंग बोलोगे। अब यहां पर देखो क्या होता है, अब ईवी एक्टिव हो जाता है, ईवी एक्टिव हो जाता है। अब यहां पर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे कट ऑफ द सेल। तो ये कट ऑफ सेल का मतलब समझ रहे हो, न्यू सेल का फॉर्मेशन ये शुरू कर देता है। तो ये नीचे भी सेल बनेगा और ऊपर भी सेल बनेगा। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, इस कैम्बियम के नीचे भी सेल बनेगा और ऊपर भी सेल। देखो जैसे ये नीचे बना, देख लो, इसके ऊपर भी बनेगा। तो देख लो इस कैम्बियम के जो नीचे बनेगा तो उसको कहा जाएगा जाइलम सेल, और इस कैम्बियम के ऊपर जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, फ्लोएम सेल। तो यहां पर जो सेल, ये तो तुम्हारा पहले क्या है, प्रोटोजाइलम है, तो प्राइमरी जाइलम है। तो प्राइमरी जाइलम किधर जाएगा, सेंटर की तरफ, और ये जो नया बना उसको सेकेंडरी जाइलम कहोगे, और यहां जो ऊपर बना उसको सेकेंडरी फ्लोएम, ऊपर वाले को क्या बोलोगे, प्राइमरी जाइलम। अब देख लो क्या होता क्या है यहां पर, और यहां भी कटिंग करेगा तो यहां भी क्या होगा, मेडुलरी रे का फॉर्मेशन होगा, तो उसको सेकेंडरी मेडुलरी रे कहा जाएगा। होता क्या है यहां पर, इन कंपेरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ, ये जो कैम्बियम है ज्यादा एक्टिव होता है इनसाइड इन कंपेरिजन टू द आउटसाइड, जिसके चलते क्या होता है, जाइलम सेल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है। ये देखो ये क्या है, जाइलम सेल का फॉर्मेशन है। अब धीरे धीरे ये जो प्राइमरी जाइलम है कहां आवेगा, पिथ के तरफ आवेगा। उसी तरीके से देख लो सेकेंडरी फ्लोएम का भी फॉर्मेशन होगा, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। अब प्राइमरी जाइलम किधर जाएगा, इंडोडर्मिस के चलते जाएगा, इंडोडर्मिस के तरफ जाएगा। एक समय सिचुएशन ऐसा आता है तुम्हारा कि अब इसके ऊपर जो है धीरे धीरे क्रश होना शुरू हो जाता है, ये इंडोडर्मिस क्रश हो जाएगा, ये पैरेन्काइमा क्रश हो जाएगा, हाइपोडर्मिस क्रश हो जाएगा, इपिडर्मिस क्रश हो जाएगा, और यही क्रश करके जो बनता है उसी को क्या बोलते हो, बार्क बोला जाता है।
काहे क्रस किया, क्योंकि अब देखो ना ये जो सेकेंडरी, हमने क्या बोला कि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड सेंटर आवेगा तो सेंटर में जगह रहेगा तब ना, तो अब वो प्रेशर किधर देगा, ऊपर की ओर, और इधर तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम भी बढ़ रहा, तो बढ़ेगा तो किसको क्रस करेगा, इंडोडर्मिस को क्रस करेगा, पेरिसाइकिल को क्रस करेगा, पैरेन्काइमा को क्रस करेगा, कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस को क्रस करेगा, उसके बाद एपिडर्मिस को, सबको क्रस कर देता है। और वही क्रस सेल को क्या बोलते हो, बार्क कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कि क्या होता है तुम्हारा विटामिन को बेटा, ये देखो यही जो सेकेंडरी जाइलम है एक्चुअली इसी को क्या बोलते हो, वुड बोला जाता है। समझ में आया? क्योंकि इसके ऊपर जो तुम्हारा ये देखो, ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहीं पर देखो ये क्या था, पेरिसाइकिल। देखो ये प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम सॉरी। अब इसके ऊपर देखो ये इंडोडर्मिस, तो ये सबको क्रस कर देता है। तो यहां से यहां जो होता है उसी को क्या बोलते हो, बार्क। और ये जो सेकेंडरी जाइलम वाला जो एरिया देखते हो एक्चुअली इसी को कहा जाता है ओट, जो हम आपने शुरू में आपको हमने दिखाया था। बोलो समझ में आया? अब देखो यहां पर एक चीज और पढ़ोगे, ये जो एक्टिविटी जो होता है तुम्हारा कैम्बियम का, तो ये थोड़ा सा खास करके ट्रॉपिकल क्षेत्र में आओ, तो ट्रॉपिकल में तो टेम्परेचर का ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन टेम्परेट रीजन में चले जाओ तो टेम्परेचर का ज्यादा वेरिएशन होता है। तो एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, ऑटम में क्या होता है सर्दी होता है, स्प्रिंग में क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है। तो उसके चलते क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये कैम्बियम है रिंग है तुम्हारा, ये कैम्बियम रिंग है। अब देख लो क्या होगा स्प्रिंग सीजन में, क्या होगा ये जो जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसका भेसेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनेगा इस तरीके से, ऐसे बड़ा बड़ा। लेकिन ऑटम सीजन में क्या होता है एक्टिविटी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते जो भेसेस का फॉर्मेशन होता है वो नैरो होता है, छोटा होता है, ये इस तरीके से देखो। इस तरीके से बनता है, तो ये जो छोटा होता है नैरो होता है, इसी के चलते क्या होता है तुम्हारा ये थोड़ा सा डार्क कलर नजर आएगा, और ये जो स्प्रिंग में जो बना तुम्हारा ये क्या होगा लाइट कलर आता है, क्योंकि इसका जो भेसिस होता है वो उसका डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए लाइट कलर आता है। तो यही देख लो, तो यहां पर देखो एक कैम्बियम के अंदर दो रिंग नजर आ रहा है, एक ये एक ये, इसी दो मिला के क्या कहते हो एक एनिमल रिंग, और इसी से एज का पता चलता है। ध्यान से देखोगे दो रिंग गिनना, तो एक तुम्हारा क्या होगा लाइट कलर होगा, एक थोड़ा सा डार्क कलर होगा, तो एक हो गया स्प्रिंग का, दूसरा हो गया ऑटम का हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि ये रिंग का जो फॉर्मेशन होता है
तो ये डिपेंड करता है सीजन पे। तो दो सीजन, स्प्रिंग में क्या होता है थोड़ा सा कैम्बियम का एक्टिविटी ज़्यादा होता है, दे कट मोर से, तो उसके चलते क्या होता है जो वेसल्स का फॉर्मेशन होता है उसका साइज बड़ा होता है, डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए वो लाइट कलर होता है। ऑटम में क्या होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वेसल्स जो बनता है वो छोटा छोटा डायमीटर का बनता है, ठीक है, जिसके चलते वो डार्क कलर हो जाता है। तो एक साल में दो रिंग बनाना, तो दोनों को जोड़ दो वन, तो इसी से प्लांट का एज भी पता लगता है। इतना समझ में आया? बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब आ जाओ, देख लो क्या कहता है, ध्यान से देखो। तो कहता है सेकेंडरी ग्रोथ, देखो द इंक्रीज इन द ग्रीथ ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आ गया ग्रीथ भैया, मोटाई। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, देख लो द इंक्रीज इन द ग्रीथ ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। देखो कहता है द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अभी कॉर्क कैम्बियम के बारे में नहीं बताए, बाद में बताते हैं। अब देखो वैस्कुलर कैम्बियम, देखो क्या कहता है, इट इज मेरिस्मेटिक व्हिच कट्स द जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज प्रेजेंट इन ए पैचेस एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम यंग स्टेज में, ये पहले से ही रहता है, ठीक है। अब देखो लेटर इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग, तो कैसे कैसे कंप्लीट रिंग करेगा, तो वो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रहता है दे बिकम ऑल्सो एक्टिव, मेरिस्मेटिक हो जाता है। तो देखो पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम देखो इन डाइकोट स्टेम, देखो कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। पहले से जो जाइलम फ्लोएम होगा उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फाइलम फ्लोएम उसके बीच में, तो उसको क्या बोलोगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो क्या कहता है, ए मेडुलरी रेज एट ज्वाइनिंग इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ए कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, एक रिंग का फॉर्मेशन बताए। अब देखो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग क्या होता है, ध्यान से देखो। देखो क्या करता है, एक कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगेन टू कट ऑफ न्यू सेल्स। यहां पर कट ऑफ ऑफ न्यू सेल्स से कंफ्यूज मत होना, वो इंट्राफेसिकुलर हो या इंट्राफेसिकुलर हो, वो न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। तो अगर वैस्कुलर बंडल में जो है तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, नीचे जाइलम की तरफ काटेगा तो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा, ऊपर की ओर काटेगा तो उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहोगे। वही कहता है देखो बोथ टुवार्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड, देखो क्या कहता है, द सेल व्हिच आर कट ऑफ टुवार्ड्स पिथ मैच्योर इनटू द सेकेंडरी जाइलम, माने जाइलम साइड में जो काटेगा। देखो द सेल्स व्हिच आर कट ऑफ टुवार्ड्स द पेरिफेरी मैच्योर इनटू द सेकेंडरी फ्लोएम, समझ में आ रहा है। ये जो मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो अभी जो है ये तुम्हारा क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या सिंपली इसको वैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। जब ये एक्टिव होगा तुम्हारा तो ये नीचे भी न्यू सेल बनाएगा, तो ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये ऊपर भी बनाएगा, तो ये जो नीचे बनाएगा तो टुवार्ड्स पिथ हो गया ना, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी जाइलम, और ये जो बनेगा ये प्राइमरी जाइलम, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो अब ये सेल का फॉर्मेशन होगा तो प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, किधर भागेगा, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से कहां जाएगा, इंडोडर्मिस, आगे बढ़ेगा। ये देखो ये पिथ के तरफ भागेगा, तो प्राइमरी जाइलम कहां आवेगा, पिथ के तरफ आवेगा। देखो क्या कहता है, द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर, बताया ना कि ये इनर साइड जो है तुम्हारा, यानी यहां पर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा इन कंपेरिजन टू द सेकेंडरी फ्लोएम, ज्यादा एक्टिव इनर साइड होता है।
एज ए रिजल्ट देखो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ये मेरी बात समझ रहे हो क्या होगा? मान लो ये सेकेंडरी जाइलम जो बनते जाएगा तो प्राइमरी जाइलम कहाँ जाएगा? पिथ। तो पिथ क्या होगा तुम्हारा? तो डाइकोट स्टेम में तो पिथ बहुत छोटा है, तो अब मान लो अब पूरा पिथ बढ़ गया तो इस प्राइमरी जाइलम को भी क्या करेगा? क्रश कर देगा। अब तो ऊपर बढ़ेगा ना, तो ऊपर बढ़ेगा तो क्या करेगा? सेकेंडरी फ्लोएम को भी क्रश करेगा, प्राइमरी फ्लोएम को भी क्रश करेगा, पेरिसाइकिल को क्रश करेगा, इंडो डर्मिस को क्रश करेगा, उसके बाद तुम्हारा कहाँ जाएगा? पैरेन्काइमा को क्रश करेगा, उसके बाद हाइपोडर्मिस को क्रश करेगा, तब एपिडर्म। तो ये टोटल जो क्रश जो होता है तो वही बन जाता है तुम्हारा बाल, ठीक है। अब देखो, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन, दीज आर द सेकेंडरी मेडुलरी वे। क्या होता है भैया, वो जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है तो वो भी तो कट करेगा, वो क्या था, वो किससे बना था? मेडुलरी रे से, प्राइमरी मेडुलरी। तो अब उससे जो नया सेल बनेगा तो ये रेडियली अरेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहोगे? सेकेंडरी मेडुलरी रे। ये देखो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिए हुआ है, अब थोड़ा सा इसको समझ लो डायग्राम में। वैसे हम डायग्राम बताए थे आपको, ये देखो ये स्ट्रक्चर सवारी समझ रहे हो, डाइकोट स्टेप का, ये एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। आप देखो यहाँ आ जाओ, ये देखो ये बंडल वेसल से कंजॉइंट, देखो इस कहाँ पर है, ये सेमी ल्यूनर तुम्हारा पेरिसाइकिल में धंसा हुआ है, चिपका हुआ है। तो देख लो ये फ्लोएम है, तो प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम हुआ, जिसको क्या बोले हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा शब्द जब आता है जब विदीन होता है, और इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, हमेशा याद रखना, जिसे दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है तो उसको क्या बोलोगे, इंटर। और विदिन सेल में अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसको इंट्रा कहा जाता है। तो देखो ये, तो ये वैस्कुलर कैम्बियम। अब देखो यहां पर जो मिडुलरी सेल होता है, दे ऑल्सो बिकम द एक्टिव मेरिस्मेटिक हो जाता है, तो उसी को क्या बोले, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये दोनों मिलके इस तरीके से देखो, देखो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसी रिंग को क्या बोलते हो, कैम्बियम रिंग। यहां देख लो ये रिंग देखो बनाया, क्या बोलोगे, कैम्बियम रिंग। तो ये देखो यहां पर ये जो दो वैस्कुलर बंडल है, तो इसको क्या बोले, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देखो क्या होता है तुम्हारा, अब ये यहां भी सेल का न्यू सेल बनाएगा, ऊपर भी बनाएगा। यहां देखो वही डायग्राम में दिया है, देखो ये देखो ये मेडुलरी रे है तुम्हारा, ये देखो ये टोटल जो देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये आपका पिथ है, देखो ये है प्राइमरी जाइलम है आपका। अब ये जो पोर्शन देख रहे हो देखो ये सेकेंडरी जाइलम, ये ऊपर वाला कैम्बियम हो गया। अब यहां देखो आके, तो ये तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये तो हो गया तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम का, तभी हम पढ़ाए नहीं इसलिए नहीं समझोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा। अब देखो थोड़ा सा बता चुके हैं, स्प्रिंग रिंग विड और ऑटम विड क्या होता है, विड देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, क्या बोले थे। और ये भी खास करके तुम्हारा टेम्परेट रीजन में होगा, ट्रॉपिकल रीजन में तो ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन
नहीं होता। इसलिए देखोगे टेम्परेट रीजन में डाइकोट प्लांट का स्टेम बहुत मोटा होता है और ओडी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा वो उतना ज़्यादा ओडी होगा। और उसी सेकेंडरी जाइलम से क्या करते हो, फर्नीचर का तो फर्नीचर बनता है तुम्हारा। देखो क्या करता है, वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन बट लेस एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर, यानी जाड़ा के समय। देखो हेंस क्या कहता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड हैविंग वाइडर वेसल्स। इसी वाइडर वेसल्स के चलते इसका कलर क्या हो जाता है, लाइट कलर होता है, ठीक है। अब देखो कहता है ड्यूरिंग विंटर लेस जाइलम एलिमेंट आर फॉर्म्ड हैविंग नैरो वेसल्स, बहुत कम बनता है, पास पास रहता है और नैरो वेसल्स, जिसके चलते क्या होता है उसका कलर जो है डार्क नजर आता है। अब देखो कहता है द वुड फॉर्म ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और द वुड फॉर्म ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड ऑटम वुड। उसी आधार पे एक को समर बोल दिया एक को ऑटम का। देखो द टू काइंड ऑफ द वुड अपीयर एज ए अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ ट्री, दीज आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एज ऑफ द ट्री। एक कैम्बियम जो होगा, सपोज करो ये कैम्बियम है, तो देखो एक तुम्हारा लाइट कलर नजर आएगा, एक डार्क कलर, तो एक हो गया स्प्रिंग वीड, एक हो गया ऑटम वीड, तो ये एक दोनों मिलके एक रिंग हो गया, तो एक कैम्बियम में तुम्हारा दो रिंग बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक आता है तुम्हारा हॉट वीड और सैप वुड, ये जनरली तुम्हारा वोल्ड ट्रीज में होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा देखो क्या कहता है, इन ओल्ड ट्रीज देखो द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क इन कलर हार्ड एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इंसेक्ट, दिस रीजन इज मेड ऑफ डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, दिस वुड इज कॉल्ड हॉट वीड, द हॉट वीड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट बट डज नॉट कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल। अब देखो क्या कहता है, द पेरीफेरियल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटली कलर्ड कोल्ड सैपवुड, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये मेरी बात समझ रहे हो, ये जनरली तुम्हारा वोल्ड ट्री में होता है। क्या होता है वोल्ड ट्री में, ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाला होता है पोर्शन तुम्हारा, ये बीच वाला, और देखो ये दोनों जाइलम ही है, लेकिन ये बीच वाला क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है तुम्हारा वो रेसिन टैनिन गम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है ये डार्क कलर हो जाता है और ये डेड हो जाता है। अब जब डेड हो जाएगा तो देख डज नॉट कंडक्ट द मिनरल वाटर, तो जब उसमें मिनरल वाटर कंडक्ट ही नहीं होगा तो काहे के लिए उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट अटैक करेगा, उस वो अटैक क्यों करता है, भोजन के लिए ना, तो जब वो डेड है तो उस पर कहा जाता है उसको तो भोजन मिलेगा नहीं। और इसके ऊपर जो ये होता है ये लाइट कलर होता है, तो इसमें अभी डिपोजिशन यानी ये लाइट है, दे कंडक्ट द वाटर, तो इसी ये डार्क कलर वाला को क्या बोलोगे, हॉट वुड, हॉट से देखो सेंटर, अ सैप माने वही कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल, इसके चारों तरफ वाला को क्या बोलोगे, सैप वुड कहा जाता है। तो ये इस तरीके से तुम्हारा हॉट और सैप वुड आया है। अब आ जाओ कॉर्क कैम्बियम में, समझ में आ रहा है हल्का, जल्दी बोलो। अब थोड़ा सा इसको पहले समझ लो, देखो बेटा क्या होता है कॉर्क कैम्बियम में, ये देखो क्या हो गया तुम्हारा वुड हो गया, सेकेंडरी जाइलम जो बना है तुम्हारा, अब देखो इसके ऊपर तुम्हारा क्या होता है
सेकेंडरी फ्लोएम, इसके बाद क्या होगा इंडोडर्मिस, ये इपीडर्मिस, यहाँ पर कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस रहता है। क्या होता है इस सेकेंडरी जाइलम के चलते हमने क्या बोला कि टोटल क्रश हो जाता है तुम्हारा, टोटल क्या होता है क्रश हो जाता है। उस क्रश के चलते क्या होता है यहाँ पर वो बार्क का, जैसे यहाँ से यहाँ तक को क्या बोले बार्क हमने बोला। अब यहाँ पर क्या होता है कुछ पैरेन्काइमा सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है तुम्हारा और वो रेक्टेंगुलर सेल का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। देखो तो ये है पैरेन्काइमा लेकिन दे बिकम एक्टिव यानी मेरिस्मेटिक हो जाता है एंड दे फॉर्म द रेक्टेंगुलर सेल और इसी को कहा जाता है क्योंकि जनरेट होता है तो क्या बोलोगे फेलोजेन, कंफ्यूज मत होना, क्या बोलोगे फेलोजेन। और ये जो रीजनरेट जो इस सेल हुआ है जो मेरिस्मेट इसी को क्या बोलते हो कॉर्क कैंपियम। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मोर सेकेंडरी जाइलम ऑल अदर सेल्स आर क्रश टू फॉर्म द पार्क। उसी में कुछ पैरेन्काइमा सेल जो होता है जो कॉर्टेक्स रीजन में होता है दे बिकम द मेरिस्मेटिक, वो सेकेंडरी है तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्मेटिक, तो वो और वो क्या करता है एक रेक्टेंगुलर सेल का फॉर्मेशन करता है जिसको क्या बोलते हो कॉर्क कैंपियम और उसी रेक्टेंगुलर सेल को क्या बोलोगे फेलोजेन कहा जाता है। अब ये फेलोजेन देखो न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है अब यहां पर देखो ये बाहर की ओर क्या करता है हेक्सागोनल सेल का फॉर्मेशन करता है, हेक्सागोनल सेल इस तरीके से देखो और इसके ऊपर क्या होता है ये वैक्सी मटेरियल का कवरिंग हो जाता है। इस वैक्सी मटेरियल के कवरिंग से क्या होगा तुम्हारा वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता है इसी को फ्लेम कहा जाता है। देखो क्या बोलोगे ये देखो फ्लेम। अब इसके देख लो इस फेलोजेन के इधर फिर पैरेन्काइमा सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या हो? ये पैरेन्काइमा है तो ये सब मिलके क्या हो गया यही ना हो गया तुम्हारा कॉर्टेक्स। और जो पैरेन्काइमा बनता है इसको क्या बोलोगे फेलोडर्म। अब ध्यान से देखो फेलोजेन फेलोडर्म फ्लोम ये मिलके क्या बन जाता है पेरीडर्म। इसे नाम में कंफ्यूज मत होना। ये जो हेक्साजोनल सेल जो फेलोजोन है इसी को क्या बोलते हो कॉर्क बोलते हो यार ध्यान से देखो इसी को कॉर्क बोला जाता है। अब देखो क्या होता है तुम्हारा क्योंकि अब ये तो तुम्हारा क्या है गैस को तो एक्सचेंज होने नहीं देगा ये कॉर्क तो कुछ पैरेन्काइमा यहां से क्या होता है ऊपर की ओर आता है और ये रप्चर हो जाता है और यहां पर ओपनिंग का फॉर्मेशन होता है उसी को कहा जाता है लेंटी सेल। तो ये कॉर्क कैंबियम का तुम्हारा एक्टिविटी है। देखो क्या कहता है देखो देखो कहता है मेरिस्मेटिक टिश्यू व्हिच डेवलप इन द कॉर्टेक्स रीजन इज कॉल्ड कॉर्क कैंबियम और फेलोजेन। देखो ये याद रखो
क्या होता है, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स में कुछ पैरेन्काइमा सेल क्या होता है, दे बिकम द मेरिस्मेटिक और वो रीजनरेट करता है, रेक्टेंगुलर सेल का फॉर्मेशन करता है टिश्यू को, उसी को क्या बोले फेलोजेन कहा जाता है। आप देखो द फेलोजेन कट ऑफ सेल ऑन बोथ साइड, तो अब ये फेलोजोन दोनों साइड बनाएगा, आउटर भी और इनर भी, तो कहता है देखो आउटर सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म कॉर्क और फ्लेम, देखो क्या पढ़ोगे फ्लेम पढ़ोगे, व्हाइल द इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर। अब देखो क्या कहता है, फेलोजन फ्लेम और फेलोडर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पेरिडर। अब देखो क्या कहता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्डअप ऑन द रिमेनिंग लेयर द पेरिफेरियल टू फेलोजन, दिस लेयर ग्रेजुअली डाई एंड फॉल ऑफ। अब देखो लेंटी से देखो कहता है, ए सर्टेन रीजन द फेलोजेन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ द कॉर्क्स, कॉर्क सेल को छोड़ के, तो कहता है दिस पैरेन्काइमेटस सेल सून रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिसेल। समझ में आया, तो उसी लेंटिसेल से क्या होता है, कभी कभी देखोगे कोई भी स्टेम को देखोगे तो इस तरीके से नजर आएगा, ये लाइव सेल है, इसी को लेंटिसेल कहा जाता है। ये लेंटिसेल का क्या पर्पस होता है, क्योंकि प्लांट में तो कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है, तो स्टेम को भी चाहिए ना एक्सचेंज ऑफ गैस, इसी लेंटिसेल से वो गैस का एक्सचेंज करता है। समझ में आया, अब आ जाओ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स में आ जाओ। अब देखो सवाल ये पड़े हो कि डाइकोट रूट्स में जो तुम्हारा वैस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है तुम्हारा वो पहले से कैम्बियम नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के पहले इंडोडर्मिस उसके बाद कॉर्टेक्स उसके बाद एपिडर्मिस, उतना नहीं जाना है। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये क्या है तुम्हारा जाइलम, क्योंकि ये रेडियल होता है और इसी जाइलम के क्या है फ्लोएम। अब यहां पर क्या होता है याद करो, कौन सा टिश्यू होता है, कंजुकेटिव टिश्यू होता है, तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा ये वैस्कुलर बंडल का, अब देखो क्या होता है तुम्हारा ये जो सेल है तुम्हारा ये एक्टिव हो जाता है, मैंने एक्टिव बोले तो मेरिस्मेटिक हो जाता है और वही क्या बना देता है सेकेंडरी कैम्बियम। तो जब ये एक्टिव होगा तो देखो कैसे एक्टिव होगा, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कैम्बियम देख लो। अब ये सेकेंडरी कैम्बियम देखो कट ऑफ द सेल शुरू करेगा एक्टिविटी, तो ध्यान से देखो ये इधर जो सेल बनेगा ये नीचे देखो यहां पर जो सेल बनेगा
ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। अब देखो इसके ऊपर जो सेल बनेगा, ये इसके ऊपर, कलर में कंफ्यूज हो रहे हो, ये देखो ये जो सेल बनेगा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया? क्या हुआ, ये जो जाइलम और यहां पर जाइलम फ्लोएम क्या है, रेडियल है तुम्हारा अरेंजमेंट, अल्टरनेट है, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, और उसके बीच में जो हमने कहा जो टिश्यू है, वही टिश्यू क्या होता है, दे बिकम द मेरिस्मेटिक, तो उसी को कहा जाता है सेकेंडरी कैम्बियम। तो ये मेरिस्मेटिक देखो कैसे होता है, ये ऐसे ये देखो। अब ये क्या करेगा, कट ऑफ द सेल करेगा, तो इस सेकेंडरी कैम्बियम के नीचे जो कट ऑफ करेगा वो हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम, और ऊपर जो करेगा वो हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो वही चीज दिया है, देखो ध्यान से क्या कहता है, देखो द वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ द डाइकोट रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। ये फ्लोएम बंडल के नीचे देखो, ये फ्लोएम है तुम्हारा, इसके नीचे जो टिश्यू देखो, और इस तरीके से क्या होता है एक रिंग बनाता है। अब देखो क्या कहता है, द पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल टिश्यू प्रेजेंट अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्म कंटिन्यूअस वे ए रिंग, इट ग्रेजुअली बिकम सर्कुलर। देखो ये देखो ये सर्कुलर बन गया, ठीक है। अब वो सेल क्या करेगा, कट शुरू करेगा, तो नीचे जो बनेगा तो वो सेकेंडरी जाइलम, ऊपर जो बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम, और रेस्ट ऑफ द स्टेम आर सिमिलर एज इन डाइकोट स्टेम। देखो क्या कहता है, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, नो सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन द मोनोकॉट, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। समझ में आया? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो प्यारे लक्ष्मीकांत, बोलो। और कोई दिक्कत? देखो तीन लड़का भाग गया, नहीं समझ में आया होगा, भाग गया। अगर कहीं पे दिक्कत हो एक बार फिर इसको हम कल लोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप फिर से देखना, नहीं तो फिर से कमेंट में, तो जब रिवीजन कराएंगे एकदम क्लियर कंसेप्ट हमारा हो जाएगा। ऐसे हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर कंसेप्ट आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें, देखो ना कुछ है, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाओ, अपनों भी करो और दूसरे से भी करवाओ, थोड़ा मित्रों के बीच में फैलाओ। बाय।